मध्य प्रदेश की सत्ता में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले हिस्सेदार नहीं होंगे। अब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्हें अपनी सत्ता आधी बांटनी होगी। प्रदेश की सियासत में जो ताजा हालात बने हैं उन्हें देखते हुए तो यही लगता है कि अब शिवराज जो भी विकास कार्य करेंगे सिंधिया उसमें बराबर के भागीदार होंगे। यानी प्रदेश में हुए हर काम का क्रेडिट शिवराज अकेले नहीं ले सकेंगे, सिंधिया को भी उसका श्रेय जाएगा। अब सत्ता में लाने का श्रेय अगर सिंधिया को जाता है तो जाहिर है कि बने रहने का भी श्रेय जाना ही चाहिए। खैर ये भी बता दें कि इस तरह की सुगबुगाहटें पैदा क्यों हुई। दरअसल सिंधिया और शिवराज एक साथ शाजापुर के दौरे पर रवाना हुए हैं। शाजापुर जिले में दोनों कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जैसे कई काम शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोकार्पण तो खुद सीएम स्थानीय विधायक के साथ कर सकते थे, फिर सिंधिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने खास तौर से भोपाल क्यों आए और उसके बाद सीएम के साथ भी शाजापुर रवाना हुए। इसी घटनाक्रम के बाद अब सियासी गलियारों में ये फुसफुसाहट सुनाई दे रही है कि अब शिवराज को मिल बांट कर ही क्रेडिट लेना होगा।